चलिए तो देखने की कोशिश करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस को मैं कवर अप करूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हियर दैट इज़ लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट द बीटा सीट, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बीटा सीट के बारे में बात करने की कोशिश करी है कि बीटा सीट रिच इन द स्ट्रक्चर इन प्रायन प्रोटीन, प्रायन प्रोटीन में पाया जाता है। एबनॉर्मल डिजीज मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, एबनॉर्मल डिजीज कॉजिंग प्रोटीन, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन एंड इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द प्रोटीन। सो प्रायन जो होते हैं, प्रायन्स की अगर बात करते हैं तो प्रायन्स जो होते हैं वो एक एबनॉर्मल मिसफोल्डेड एंड इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ध्यान देने की कोशिश करिएगा, जो प्रायन्स होते हैं ना, प्रायन्स क्या होते हैं कि ये एबनॉर्मल प्रोटीन है भैया, ये जो होते हैं मिसफोल्डेड होते हैं, मिसफोल्डेड होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल, ये जो होते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं एंड दे आर डिजीज कॉजिंग, डिजीज को कॉज करते हैं। सो इसमें अगर देखेंगे तो प्रायन्स नॉर्म सॉल्युबल फॉर्म में गलत है, नॉर्मल फॉर्म में नो इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ प्रोटीन है, नो ये आपके मिसफोल्डेड है एंड एबनॉर्मल डिजीज कॉजिंग प्रोटीन है। ये जो है एबनॉर्मल डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स होते हैं, तो दे आर एबनॉर्मल एंड डिजीज कॉजिंग प्रोटीन्स होते हैं। सो दीज आर द प्रायन्स, ये जो हैं आपके प्रायन्स में आंसर वन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है जनाब। चलिए नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो पूछा जा रहा है दैट अप्रॉक्सीमेट द प्रोटीन ऑफ मेडअप ऑफ 100 किलो डाल्टन, वुड यू हैव अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ऑफ अमीनो एसिड। सो आपको 100 किलो डाल्टन का एक पर्टिकुलर कहते हैं कि प्रोटीन पाया जा रहा है, तो उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। 100 किलो डाल्टन, एक एवरेज अमीनो एसिड रेजिड्यू का, एक एवरेज अमीनो एसिड रेजिड्यू का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 110 डाल्टन, 110 डाल्टन का होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका मॉलिकुलर वेट ना इतना है, उसमें अगर हमें अमीनो एसिड पता करना है तो हम टोटल मॉलिकुलर वेट को डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वन अमीनो एसिड जो है वो वन अमीनो एसिड रेजिड्यू यूज़ कर सकते हैं। सो जब इसको यूज़ करेंगे तो टोटल है 100 किलो को डाल्टन में करिए, क्योंकि ये डाल्टन है, ये किलो है, यूनिट होमोजेनिटी शुड बी देयर, तो 10^3 डाल्टन नीचे आ जाएगा 110 डाल्टन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास क्या है, ऊपर है 100, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 100 30 करिए उसमें डिवाइडेड बाई 110 कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 909 इतने अमीनो एसिड आएंगे। अब इसको ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन से जो मैच होगा ये यानी कि 900, ये जो ऑप्शन आ रहा है फोर्थ वन उसके अप्रॉक्स आ रहा है, तो दिस अप्रॉक्सीमेटली 4 के ऑप्शन से मतलब अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 900, राइट। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर केस है ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा गया है कि द मॉलिकुलर वेट ऑफ वैलिन एंड सेरीन इज़ 117 डाल्टन एंड 105 डाल्टन। वैलिन एंड सेरीन फॉर्म अ डाईपेप्टाइड वैलिन एंड सेरीन, द मॉलिकुलर वेट ऑफ द डाईपेप्टाइड। ये बहुत इजी से क्वेश्चन अगेन है, ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखते हैं, तो आपके पास दो डाईपेप्टाइड है, यू हैव द टू डाईपेप्टाइड, एक वैलिन का बना हुआ है और एक जो है सेरीन का बना हुआ है, ठीक है ना। तो इधर है वैलिन आपका और इधर है सेरीन। वैलिन का जो मॉलिकुलर वेट है ये है आपका 117 डाल्टन और इसका जो मॉलिकुलर वेट है 105 डाल्टन है, राइट। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद जब दो ये मिलके डाईपेप्टाइड बना रहे हैं तो इनके बीच में वन पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में वन पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एक पेप्टाइड बॉन्ड मतलब वन वाटर रिमूव होगा, यहाँ से जब बनेगा तो एक वाटर रिमूव होगा, कितना, वन वाटर मॉलिक्यूल, तो वन वाटर रिमूव्ड हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यूटिलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट
वैलिन का मोलिकुलर वेट 117 प्लस सेरीन का मोलिकुलर वेट 105 और एक वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो 118, तो ये कंडीशन जो है आपका बनेगा, ये है वैलिन का, ये है सेरीन का सम और ये वाटर, बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो वाटर रिमूव्ड को हमने यहाँ पे रखा है। सो अब ये कंडीशन क्या हो गया, दिस इज़ लाइक 222 माइनस 18 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 204 डाल्टन जो है इस पर्टिकुलर डाइपेप्टाइड का आएगा केस। तो 204 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द फर्स्ट वन। तो ये केस जो है आपको अपीयर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ What would be the number of protein molecules present in 1 mg of the protein having the molecular weight of 25 किलो डाल्टन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि अगर आपके पास 1 mg ऑफ प्रोटीन है जिसका मॉलिकुलर वेट इतना है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन बताना है। अब वैसे तो ये प्रोटीन का क्वेश्चन है लेकिन प्रोटीन से रिलेटेड पूछा, लेकिन है ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, तो ज़रा सा मोल कॉन्सेप्ट को रिकॉल करिए। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो यू विल फाइंड दैट नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज़ द फार्मूला ऑफ मोल एंड वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज़ द फार्मूला ऑफ मोल। ये चीज़ आपके पास पाई जाती है स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये आपका नंबर, अगर हमें ये दोनों फार्मूला मोल के ही हैं तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दैट मोल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट विल बी द नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर, नंबर हमें फाइंड आउट करना है। एवोगैड्रो नंबर हमें पता होता है 6.023 × 10²³, ठीक है। इसका मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है, तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपने इस इक्वेशन को मैनिपुलेट किया, एन ए को इधर भेजा तो एन ए मल्टीप्लाई कर दिया, वेट रखा इसका 1, यहाँ पे दिया हुआ है 1 mg और 1 mg को आप mg में नहीं रख सकते क्योंकि ये आपको ग्राम में रखना है, तो ये भी ग्राम में रखेंगे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 mg इतने ग्राम के बराबर आ जाएगा, और 25 किलो डाल्टन को ग्राम में रखेंगे तो 25 किलो को 10³ ग्राम, तो ये यूनिट आपने बराबर रख ली। अब इसको यहाँ पे पुट करिए तो इसका आपने 1 × 10²³ ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10²³ और ये वैल्यू मॉलिकुलर वेट 25 × 10³ ग्राम। इसके बाद ये 10²³ ऊपर जाके इसमें माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा, इसके अलावा जो है ये −10²³ तो उससे भी माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, और ये 6.023 डिवाइडेड बाई 25 × 10²³ आपके पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है 0.24 × 10², लेकिन हमें आंसर चाहिए 2.4 में। अगर आप देखेंगे तो सारी वैल्यू 2.4 में है, हमें पावर को बस चेक करना है। तो 2.4 के लिए आप क्या करेंगे, 10 इसको दे दीजिए तो ये बचेगा 10²³ और ये हो जाएगा 2.4। सही आंसर जो है 2.4 × 10²³ एंड दैट इज़ द पी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन जाना जाता है। द अल्फा हेलिक्स इन द प्रोटीन इज प्राइमरली ड्यू टू, अल्फा हेलिक्स जो स्टेबल होता है वो होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, बिकॉज इफ़ यू कंसीडर द अल्फा हेलिक्स एक ही चेन में जो होते हैं आपके इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इंट्रा विद इन द चेन होते हैं, इसलिए इसको इंट्रा चेन बोलते हैं या इंट्रा मॉलिकुलर बोलते हैं, जो कि आपके प्लेनर होते हैं, और यू कैन से दैट कि ये कंडीशन में ये जो है वो आपको पोलैरिटी शो करता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, पैरेलल टू द एक्सिस होता है, ये क्या है, ये डायरेक्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पैरेलल टू द एक्सिस होता है, मतलब जो ये एक्सिस होती है मिड एक्सिस उसके पैरेलल चल रहा होता है, तो ये कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कभी आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अ प्रोटीन ए फ्रॉम द सीडोमोनास प्यूटिडा कंटेन्स 135 अमीनो एसिड, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द जीन एनकोडिंग द प्रोटीन विल बी, कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। दैट यू हैव द 135 अमीनो एसिड प्रोटीन, आपके पास 135 अमीनो एसिड प्रोटीन पाया जाता है और आपको पता है 135 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन बना हुआ है, और एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक कोडॉन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक कोडॉन जो बना होता है वो आपके 3 बेस पेयर का बने होते हैं। सो अगर हम इससे देखें तो एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एक कोडॉन और एक कोडॉन बनाने के लिए 3 बेस पेयर, सो कितने बेस पेयर आपको मिलेंगे, 135 × 3
ये आपको तीन बेस पेयर, तो मतलब तीन बेस पेयर के हिसाब से 405 बेस पेयर होगा जो इतने अमीनो एसिड को बना रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में जैसे भी अगर ट्रांसलेशन को समझे, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि स्टार्ट कोडॉन जनरली AUG होता है, और मेथियोनिन या फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन जो भी होता है वो तो सिंथेसिस में इंक्लूड हो जाता है, बिकॉज जो पहला स्टार्ट कोडॉन होता है वो प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसमें इंक्लूड हो जाता है प्रोटीन में। लेकिन लास्ट में ट्रांसलेशन को रोकने के लिए लास्ट में स्टॉप कोडॉन आता है। स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं करता, कैन नॉट सिंथेसाइज एनी अमीनो एसिड। जब ये सिंथेसाइज नहीं करता तो ये अमीनो एसिड का तो कुछ फॉर्म आएगा नहीं, मतलब इसका कोई अमीनो एसिड मिलता नहीं, इसलिए अमीनो एसिड में तो काउंट होगा नहीं। लेकिन ये तीन बेस पेयर तो आपको यहाँ पे स्टॉप कोडॉन पाया जाएगा, जिसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस 405 जो आपको अपीयर हुआ इतने अमीनो एसिड के लिए, उसमें क्या है कि आपके पास स्टार्ट कोडॉन इंक्लूडेड है, बिकॉज वो एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। तो 405 में तो हमारा स्टार्ट कोडॉन आ गया, लेकिन स्टॉप कोडॉन नहीं आता क्योंकि वो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करता। तो थ्री बेस पेयर स्टॉप कोडॉन इज नॉट इंक्लूडेड एंड इट नीड टू इंक्लूड, दैट्स वाई थ्री ऐड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 408 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। इस तरीके से जो है आप चल सकते हैं। नेक्स्ट, ए हाइपोथेटिकल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बाइंड्स टू द इट्स रिसेप्टर विथ एन एसोसिएशन रेट कांस्टेंट के ए दिस वन एंड द डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट के डी इज दिस मच, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछ रहा है, सो ध्यान दीजिएगा कि इक्विलिब्रियम जब डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा तो डिसोसिएशन बाय एसोसिएशन होगा, मतलब डी बाय ए होगा। एंड इक्विलिब्रियम एसोसिएशन कांस्टेंट अगर पूछेगा तो ए बाय डी होगा, मतलब एसोसिएशन बाय डिसोसिएशन होगा। तो इन्होंने इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, दैट मीन्स इट इज़ अ के डी बाई के, के डी की वैल्यू ऊपर होगी, के की वैल्यू नीचे होगी। तो के डी दिया हुआ है 3 × 10⁴ एंड के दिया हुआ इतना, और के डी दिया हुआ 6.9 × 10⁻⁶। तो के डी को रखिए 6.9 × 10⁻⁶, के डी के को रखिए 3 × 10⁴ प्लस है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस सिक्स और माइनस फोर मिल के बना देंगे -10, और 3 से 6.9 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2.3। तो सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा दिस वन, 2.3 × 10⁻¹ सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द केस जो कि आपको यहाँ पे अपीयर होगा। चलिए तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी इज अ डिजीज। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी एक तरीके के प्रायोन से कॉज होने वाला डिजीज है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, प्रायोन्स जो एक मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, नॉट डिग्रेडेटेड बाय द प्रोटियोसोम्स, नॉट डिग्रेडेबल है, ये डिग्रेड नहीं होते, नॉन डिग्रेडेबल है, एंड ये जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होने की वजह से ये जो होते हैं आपके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होकर डिजीज कॉज कर लेते हैं, विच इज़ नोन एज स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी। वो कॉज होता है प्रायोन से, तो आंसर विल बी द सी। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू प्रोटीन प्रेसिपिटेशन बाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम रेफरेंस देखें प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के हिसाब से, तो बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जो है प्रेसिपिटेट करा रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि यूरिया इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यूरिया ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को तोड़ेगा, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट को चेंज करता है, एंड डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। ये क्या करते हैं कि साइज ऑफ जो कहते हैं पार्टिकल, उस पर भी डिपेंड करता है, एंड इट डज़ नॉट अफेक्टेड बाई द pH, ये pH इफेक्ट नहीं होता। सो एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई pH, येस इट इज़ राइट। इट डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, नो। इट इज़ अनअफेक्टेड बाई आयनिक स्ट्रेंथ, नो। इट इज़ अनडिपेंडेंट ऑफ मॉलिकुलर साइज, गलत है, डिपेंडेंट होगा। तो जो सही है वो है यही ए, कहते इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई pH। ये जो है pH